अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद शाहज़ैन खान। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, जिस तरह आप दुआएं देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका। आप सब दोस्तों के लिए भी ढेर सारी दुआएं। आप लोग जिस फील्ड में भी काम करते हैं, अल्लाह ताला आपको भी इसमें कामयाबी अता फरमाए। तो चलिए आज के इंतहाई दहशतनाक वाक्ये की तरफ चलते हैं जो हमें फातिमा ने न्यूजीलैंड से भेजा है। तो चलिए उन्हीं की जबानी सुनते हैं। शाहज़ैन भाई, आज जो मैं आपको वाक्या सुनाने जा रही हूँ, ये काले जादू का है और ये कोई आम काला जादू नहीं है, बल्कि जादू की वो किस्म है जो शयातीन जिन्नात के जरिए कराई जाती है और बकायदा दूसरे इंसान को तबाह करने के लिए इन शयातीन की उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है। ये जादू की सबसे बदतरीन किस्म है जिसमें शयातीन आपके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं और आपके हर काम में रुकावट डाल रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर इस जादू को किसी को मारने के लिए कराया जाता है तो ये मारने का काम भी शयातीन जिन ही करते हैं। ये वाकया है तो काफ़ी पुराना। मैं शादी से पहले कराची में रहती थी। हमारा और ताया का घर साथ साथ था। हमारा ताया वगैरह से रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। बचपन से ही हम उनके बच्चों के साथ खेलकर बड़े हुए थे। भाइयों में भी आपस में बहुत मोहब्बत थी। और सबसे बड़ी बात जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, जेठानी देवरानी में आपस में बहुत मोहब्बत थी। हालांकि ये वो रिश्ता होता है जिनमें आपस में नहीं बनती, लेकिन अम्मी का और ताई का मिसाली रिश्ता था। एक दिन हम अपने घर से खाना उनके घर ले जाकर खाते थे, अगले दिन वो अपना खाना हमारे यहाँ ले आते थे। हम में आपस में कभी भी अजनबियत नहीं रही। अगर अम्मी अब्बू कभी मेरी बात नहीं मान रहे होते थे तो मैं जाकर ताई से सिफारिश करवा कर मनवा लेती थी। मैं ताई को कहती भी बड़ी अम्मी थी। ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आज के दौर में भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके बहुत करीब है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि वो इंसान जो आपके करीब है वो उसी वक्त तक करीब रहेगा जब तक उसका मफाद है। जिस दिन उसका मफाद ख़त्म हो गया या उसके मफाद पर कोई ठेस पहुंची, तो वही हबीब आपका सबसे बड़ा रकीब बन जाएगा। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, आगे जाकर आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। बचपन तो हमारा बहुत अच्छा गुज़रा, मिलजुल के गुज़रा। फिर हम लोग बड़े होने लगे, इतने बड़े हो गए कि शादियों के काबिल हो गए। फिर हमारी ताई जान ने अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मांग लिया। अब देखा जाए तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं था। इतनी फैमिली आपस में जुड़ी हुई हों तो रिश्ता करने में कोई हर्ज भी नहीं होता। लेकिन मसला ये था कि मेरे ताई का बेटा इंतहाई सुस्त, काहिल और कामचोर था। इन खूबियों के साथ साथ उसमें जहालत भी कूट कूट कर भरी हुई थी, जबकि उसके मुकाबले में मेरी बहन पढ़ी लिखी भी थी, इंतहाई समझदार भी थी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बहन थी, मैं हकीकत में बता रही हूँ कि वो ज़िंदगी के हर काम में बेहतरीन थी। जब ताई ने अम्मी अब्बू से इस रिश्ते की बात की तो अम्मी अब्बू तो बेचारे परेशान हो गए और जवाब देने के लिए ताई से वक्त मांग लिया। अब अम्मी अब्बू दोनों ही सोच रहे थे कि ताई को कैसे मना किया जाए। ये सब जानते थे कि अगर ताई को किसी चीज़ से मना करा जाए तो ताई का गुस्सा आसमानों पर पहुंच जाता था, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। ताई तो इस बात पर ही गुस्सा कर गई थी कि तुम लोग टाइम क्यों मांग रहे हो,
अभी रिश्ते को एक्सेप्ट करो और अंगूठी पहनाओ। अम्मी ने इस्तखारे का बहाना करके उनको टाल दिया ताकि सोचने के लिए कुछ तो वक्त मिले। अब हमारी पूरी फैमिली इस बात पर एग्री थी कि हमारी बहन का उस ताए के बेटे के साथ कोई जोड़ ही नहीं था। एक दिन अम्मी अब्बू ने हिम्मत करके ताया के घर चले गए। वहां जाकर अम्मी अब्बू ने यही बहाना बनाया कि इस्तखारा सही नहीं आया है। ताई तो ये बात सुनकर हत्ते से उखड़ गईं और कहने लगी कि तुमने किससे इस्तखारा करवाया है, मुझे बताओ, मैं दोबारा चेक करवाती हूँ। अम्मी ने कहा कि भाभी, ये इस्तखारा मैंने खुद किया है और इस्तखारे के नतीजे में मैंने ख्वाब में देखा है कि ये रिश्ता दोनों बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अम्मी ने इस्तखारे का झूठ बोला था, अब मजबूरी में और ऑप्शन भी क्या थी? क्या अम्मी ताई से ये कहती कि आपका बेटा जाहिल है और हमारी बेटी के काबिल नहीं है? लेकिन ताई जान थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहने लगी कि मैंने भी इस्तखारा किया था, मुझे तो बहुत अच्छा ख्वाब आया है। जब गर्मा गर्मी बढ़ने लगी तो ताया जान ने इंटरवीन किया। ताया ने मशवरा दिया कि इस मसले को एक महीने के लिए पेंडिंग कर दो, उसके बाद सोचेंगे कि इस बारे में क्या करना है। लेकिन ताई जान के चेहरे से ही अंदाजा हो रहा था कि उन्हें अम्मी अब्बू की बात पसंद नहीं आई थी। ये एक दिन की बात है कि जब मैं अम्मी के साथ गाड़ी पर जा रही थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जबकि मैं और अम्मी पीछे बैठे हुए थे। सख्त गर्मी का मौसम था तो एसी ऑन था जिसकी वजह से शीशे भी बंद थे। मैंने देखा कि कोई अम्मी का शीशा खटखटा रहा था। अम्मी ने भी जब पलटकर अपने शीशे की तरफ देखा तो वहां एक मलंग था। उसके मैले कुचैले कपड़े थे, मुंह से राल बह रही थी। देखकर ही उसको घिन आ रही थी। ऐसा नहीं था कि अम्मी के अंदर कोई गरूर तकबर था, लेकिन अगर आप किसी को इतने गंदे हुलिये में देखें तो वैसी एक वहम सा आता है। अम्मी समझी कि शायद ये कोई मांगने वाला है और दिखने में लग भी ऐसा ही रहा था। अम्मी ने ड्राइवर को 500 का नोट दिया और कहा कि इसे आगे से दे दो। अम्मी हमेशा अपने पास सदके के पैसे रखती थीं और जब भी कोई मांगने वाला मिलता था तो उसको दे दिया करती थीं। खैर, 500 रुपये तो आज भी काफ़ी बड़ी रकम है अगर आप किसी मांगने वाले को दें। और जबकि मैं आपको बात बता रही हूँ, उस टाइम तो 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। खैर, ड्राइवर ने शीशा खोला और 500 रुपये उसको पकड़ा दिए। उस बाबे ने 500 रुपये लिए, फिर दोबारा अम्मी के शीशे के पास आ गया और फिर शीशा खोलने का इशारा करने लगा। अम्मी ने थोड़ा सा शीशा खोला तो उसने 500 का नोट अंदर फेंक दिया और अम्मी से कहने लगा कि मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ। फिर वो बाबा अम्मी से कहने लगा कि मैं यहाँ सिर्फ तुझे चौकन्ना करने आया हूँ, आगे तेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जिनको तू अपना दोस्त समझती थी, अब वही तेरे दुश्मन बनेंगे और तेरी तकलीफ का जरिया भी। बस ये कहकर वो बाबा वहां से चला गया। हैरान कुन बात थी कि 500 का नोट, जो जमाने में 5000 से कम नहीं होगा, वो कैसे वापस कर सकता था। होलिये से तो ऐसा लग रहा था कि बेचारे के पास फूटी कौड़ी नहीं होगी। जिस तरीके से उसने 500 का नोट हमारे मुंह पे मारा था, उसने हमें गहरी सोच में मुब्तला कर दिया कि आखिर वो बाबा कहना क्या चाह रहा था। हमें उसकी बात तो समझ नहीं आई थी कि वो क्या कह रहा था, लेकिन इतना ज़रूर हमें ख्याल आ रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर ऐसा ही हुआ। हमारे घर में कुछ चीज़ें आके गिरने लगीं। वो कभी अंडे होते थे, कभी दालें, कभी सुइयां और कभी इंतहाई भयानक गुड़ियाँ। वो सामान हर रोज़ हमें लॉन से मिलता था, हम चौकीदार को कहकर बाहर फेंकवा देते थे। एक दिन हमें अपने लॉन में से काली मुर्गी मिली, उसका सर कटा हुआ था, खून सारा निकाल लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया है।
जबकि ताई का रवैया हम लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल था। वही हो रहा था कि एक दिन हम वहां खाना खाते थे और एक दिन वो हमारे घर में। ताई ने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके दिल में कितना खार था। हम भी जहन के किसी कोने में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस औरत को हम बड़ी अम्मी कहते थे वो हमारे साथ इतना भयानक खेल खेलेगी। ताई की फैमिली वैसे ही आ रही थी। वो लोग जब खाना लेकर आते थे तो ताई ने एक नई चीज शुरू कर दी। कभी वो गरम शाही टुकड़े ले आती और कहती इसको फ्रिज में रख दो, जब ठंडे होंगे तो तुम लोग खा लेना। बाकी खाना तो वो हमारे साथ खाती थी, लेकिन जब भी कोई मीठी चीज लेकर आती थी जैसे कि फिरनी, कभी आइसक्रीम या इसी तरह की चीजें, तो वो लाजमी ऐसे होती थी कि आइसक्रीम पिघली हुई होती थी, खीर फिरनी गरम आग हो रही होती थी। ऐसा लगता था कि वो चाहती थी कि ये चीजें उनके सामने सर्व ना हों और जब वो लोग चले जाएं तो ये चीजें सिर्फ हम खाएं। और जैसा कि बता चुकी हूं कि हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, हम तो इसको भी ताई की मोहब्बत समझ रहे थे कि देखो बेचारी हमारे लिए मीठी चीज भी लेकर आती हैं और खुद भी नहीं खाती। लेकिन हमारे घर में कुछ अजीब से मसले होने शुरू हो गए। मैं जो पढ़ाई में इतनी जहीन थी, अचानक से ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिमाग बंद हो गया हो। मेरे सामने टीचर पढ़ा रहे होते थे और वो सारी चीजें मेरे ऊपर से गुजर रही होती थीं। समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ये क्या हो गया था। मैं तो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी। बड़ी बहन के चेहरे पर अजीब से धब्बे पड़ने लगे। हमने बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, बहुत सारी आइंटमेंट यूज की, लेजर ट्रीटमेंट तक करवा लिया, लेकिन वो धब्बे कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। वो मीठी चीज जो ताई हमारे लिए लेकर आती थी, वो घर में हम सिर्फ तीन लोग खाते थे, हम दो बहनें और अम्मी। अब्बू शुगर होने की वजह से मिठास नहीं खाते थे, उनकी शुगर ने ही उनको बचा लिया था, वरना हम तीनों के तो बहुत बुरे हालात थे। अब हम फैमिली में टोटल चार लोग थे, अम्मी अब्बू और हम दो बहनें। मेरा दिमाग बंद हो गया था। बहन के चेहरे पर काले काले धब्बे और वो भी इतने ज्यादा हो गए थे कि उसका चेहरा बहुत बुरा लगने लगा था। अम्मी के साथ जो हुआ वो तो एक बहुत ही भयानक कहानी है, वो आगे चलकर आपको बताती हूँ। लेकिन ताई से हमारा रोज ही मिलना होता था। अम्मी ने उनको बताया भी था कि घर में अजीब सी चीजें गिर रही हैं, सुइयां, दालें, मुर्गियां। अम्मी ने ताई को ये तक बताया कि जब से ये होना शुरू हुआ है मेरी बेटी का पढ़ाई में दिल भी नहीं लग रहा, और भाभी ये देखें बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ है, इसके चेहरे पर कैसे धब्बे पड़ रहे हैं। अब हमारी ताई जान आगे से ऐसा बिहेवियर अपनाती थी कि जैसे सबसे ज्यादा उनको ही हमारी फिक्र हो। वो अम्मी से कहती थी कि तुम फिक्र ना करो, मैं रात को आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारे घर का हिसार करती हूँ। बड़ी बहन के लिए वो रोजाना कोई नया डॉक्टर रिकमेंड करती थी। हम तो ताई को दुआएं देते नहीं थक रहे थे कि देखो कितनी अजीम औरत है कि हमने रिश्ते के लिए मना भी कर दिया, लेकिन इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। मेरी बहन का चेहरा स्याह पड़ता जा रहा था। वो पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसकी सहेलियां भी यही कहती थी कि तेरी शादी सबसे पहले होगी, लेकिन अब उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि अम्मी पूरी पूरी रात जागकर रोती रहती थीं और अब्बू से कहती थीं कि अब इससे शादी कौन करेगा। अम्मी ये समझ रही थीं कि उन्होंने ताई का दिल दुखाया है, शायद अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई है। लेकिन हमें क्या पता था कि सबके पीछे हमारी ताई का ही हाथ था। शाहजैन, मेरी अम्मी के साथ जो कुछ हुआ वो इतनी भयानक दास्तान है कि आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
मेरा तो रिश्तों पर से एतबार ही उठ चुका है। आगे अम्मी की कहानी सुनकर आप लिसनर्स भी अहमद फराज के इस शेर से मुत्तफिक हो जाएंगे। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने ताई पर अंधा एतमाद किया। एक दफा हमें लॉन में से कुछ पुराने कपड़े मिले जिन पर बकायदा तावीज सिए गए थे। शाज़ैन वो इतनी तादाद में तावीज थे कि हम उनको गिन भी नहीं पाए। वो चार पांच औरतों के सूट थे जिसमें ऊपर से नीचे तक तावीज ही तावीज सिले हुए थे। इस दफा तो वो चौकीदार भी डर गया जो ये सामान बाहर फेंक कर आता था। कहने लगा कि बाजी ये तो आपके ऊपर वार किया जा रहा है। हम चौकीदार को डांट भी रहे थे और पूछ भी रहे थे कि वो किस तरह की ड्यूटी कर रहा है, उसे कैसे पता नहीं चलता कि ये सामान कौन फेंक कर जा रहा है। वो चौकीदार हमें बताने लगा, बल्कि कस्में खाने लगा कि बाजी जब से ये सामान मिलना शुरू हुआ है आप यकीन करें कि मैं रात को भी जागता हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये सामान आता किधर से है। बस उन कमीजों पर तावीज मिलने की देर थी, दो तीन दिन बाद ही अम्मी के कमर पर एक जख्म हो गया। वो जख्म बढ़ता भी जा रहा था और खुलता भी जा रहा था, उसमें से पीप बहती रहती थी। समझ से बालातर था कि ये कैसा जख्म था। डॉक्टर्स को दिखाते थे तो वो कहते थे कि सर्जरी होगी, लेकिन बकौल डॉक्टर्स के ही कि सर्जरी के बाद भी नहीं कहा जा सकता कि ये जख्म भरेगा या नहीं। उस जख्म की वजह से अम्मी हर वक्त परेशान रहती थीं। तकलीफ की इंतहा ये थी कि उनके आंसू बहते रहते थे। हर तीन चार घंटे बाद उनकी पट्टी गंदी हो जाती थी जो हमें फिर चेंज करनी पड़ती थी, और उनके जख्म में से इतनी बदबू आती थी कभी कभी तो हम लोगों से भी बर्दाश्त ना होती थी। अम्मी इस बारे में जानती थीं, उन्होंने खुद ही कमरा चेंज कर लिया था। हालांकि अब्बू ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी और कहा था कि तुम मेरे साथ सोती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अम्मी को अपने से ज़्यादा हमारा ख्याल था। वो अलग कमरे में ही सोने लगी थीं। दिसंबर जनवरी का महीना था, हालांकि कराची में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन अम्मी को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी कि वो लिहाफ के साथ साथ हीटर भी कमरे में रख कर सोती थीं। ये एक रात की बात है कि जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपने कमरे में धुआं महसूस हुआ। मेरा कमरा चूँकि अम्मी के कमरे के बिल्कुल साथ था, मैं धुएँ को देख कर एकदम घबरा गई और दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर देखने लगी कि आखिर ये धुआं आ कहाँ से रहा था। फिर मेरी नज़र पड़ी कि वो धुआं मेरी अम्मी के कमरे में से आ रहा था। मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में गई और जब मैंने आगे का मंजर देखा तो यकीन करें कि 10 सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद मैं मर गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रही हूँ। मेरी अम्मी के लिहाफ में आग लगी हुई थी, उसी से धुआं उठ रहा था, जबकि अम्मी बेखबर सो रही थी। इतनी देर में पीछे से अब्बू भी आ गए, शायद धुएं की वजह से उनकी भी आँख खुल गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़े, उन्होंने अम्मी के ऊपर से लिहाफ हटाया और बाहर फेंक दिया। अम्मी का हाल ये कि वो अभी तक बेखबर सो रही थी। आसपास के लोग उठ गए लेकिन अम्मी की आँख ना खुली। अब हमने भी यही सोचा कि इस वक्त उठाकर उनको ये सारी बात बताएंगे तो वो बेचारी मज़ीद घबरा जाएंगी। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखें कि उस रात हीटर भी बंद था। समझ से बालातर था कि उनके लिहाफ में आग लगी कैसे थी। एक दिन हमें लॉन में से गुड़िया मिली जिसमें अम्मी का नाम लिखा हुआ था, और उस गुड़िया की आंखें नहीं थीं, किसी ने उसकी आंखें निकाल ली थीं। कुछ अरसे में ही अम्मी की आंखों की रोशनी भी जाने लगी।
इस पूरे अरसे में ताई जान हमारी खिदमत में सबसे आगे आगे थी। वो हमारे लिए अलग खाना लाती थी जबकि अम्मी के लिए स्पेशल खाना लाती थी जो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक होता था। हम तो ताई जान को दुआएं देते नहीं थकते थे। अम्मी के साथ एक मसला और हुआ। एक सुबह मुझे अम्मी की चीख सुनाई दी। हम लोग भागते हुए अम्मी के कमरे में गए तो हम ये देखकर परेशान हो गए कि अम्मी किसी मछली की तरह तड़प रही थी। उनके हाथ उनके कमर पर थे और ऐसा लग रहा था कि उनके कमर में कुछ हो रहा है। हम फौरन उनको लेकर हॉस्पिटल भागे। वहां डॉक्टर्स ने एक बड़ी अजीब चीज बताई। कहने लगा कि आपकी वालदा की रीढ़ की हड्डी मुड़ के ऊपर की तरफ आ गई है और एक कुप बन गया है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। रीढ़ की हड्डी तो इतनी सख्त होती है कि उसका मुड़ना आसान काम नहीं है। उस डॉक्टर ने भी मेरी बात की तस्दीक की और कहा कि वाकई ये बहुत ही रेयर केस है। हमने एक्सरे और पिक्चर्स लेकर अमेरिका भिजवाए हैं। वहां से कोई रिप्लाई आता है उसके बाद ही हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब पहले अम्मी को तकलीफें कुछ कम थीं, जो ये एक और मुसीबत आ गई थी। रीढ़ की हड्डी का इस तरह मुड़ जाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। हम में से कोई भी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मगर मेरी माँ वो सारी तकलीफें उठा रही थी। शाहजैन यकीन करें कि अभी भी कहानी लिखते हुए जब मैं अपनी माँ की तकलीफ के बारे में सोच रही हूँ तो अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आंखें भी चली गईं, कमर में इतना बड़ा ज़ख्म जिसमें से हर वक्त पीप बह रही थी। उस ज़ख्म की बदबू जब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरी माँ को वो बदबू 24 घंटे बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। और ये अब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, मैंने पहली दफ़ा अपनी माँ के मुँह से सुना था कि फ़ातिमा मैं बहुत सख्त तकलीफ़ में हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी माँ के साथ कमरे में थी। मैंने अपनी माँ को दिलासा देने के लिए कहा कि अम्मी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोई। मैंने वुजू किया और जाने मास पर गिर गई। अल्लाह से गिड़ गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी, अपनी नेकियों के वास्ते देने लगी। मैंने अल्लाह से कहा कि अगर मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी ऐसी की हो जो तुझे पसंद आ गई हो, उसके बदले मेरी माँ को ठीक कर दे और उनको इस अजियत से निजात दिला दे। ये 3-4 दिन बाद की ही बात है। अब्बू तो उस टाइम दफ्तर गए हुए थे, बड़ी बहन घर पर ही थी। मैं ड्राइवर के साथ अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, रूटीन का ही चेकअप था। उसी वक्त किसी ने अम्मी का शीशा दोबारा खटखटाया। अम्मी को नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन शायद वो दस्तक पहचान गई थी। मैंने उस तरफ देखा तो वो वही बाबा था जो हमें पहले एक दफ़ा मिला था। अम्मी ने फौरन शीशा खोल दिया तो वो बाबा आगे से कहने लगा कि देख, पहले तू लोगों से हिकारत करती थी और आज लोग तेरे से हिकारत कर रहे हैं। अम्मी जारो कतार रोए जा रही थीं और उस बाबे से माफ़ी मांगते हुए कह रही थीं कि मेरा आपका दिल दुखाने का मकसद नहीं था। वो बाबा कहने लगा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जिनको तू अपना दोस्त समझती है वही तेरे लिए दुख और तकलीफ का बाइस बनेंगे, और देख उन्होंने तुझे किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। अम्मी ने उस बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जो मेरा दुश्मन बन गया है? वो बाबा कहने लगा कि वही दोस्त जिसके साथ तूने रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया था, अब वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस बाबा जी की बात सुनकर हमारे 14 तबक रोशन हो गए और ऐसा लगा कि वो गुत्थी जो इतने अरसे से हल नहीं हो रही थी वो एकदम से ही सुलझ गई। अम्मी ने बाबा जी की तरफ हैरत से देखकर कहा कि बाबा जी, मेरी जिठानी ये सब कुछ करवा रही थी?
बाबा जी ने कहा कि जो होना था वो हो गया। उस बाबा जी ने अपने गले में से एक तावीज उतारा और मुझे देते हुए कहने लगा कि शाम को एक गुड़िया तुम्हारे घर पर आकर गिरेगी, वो दुश्मन तुम पर आखिरी वार कर रहा है, तुमने ये तावीज उस गुड़िया पर बांधना है और अपनी ताई के घर में फेंक देना है। ताई के घर से तो हमारी दीवार मिली हुई थी, अब मुझे समझ आया कि चौकीदार को कभी नजर क्यों नहीं आया कि वो चीजें कौन फेंकता था, क्योंकि वो तो दीवार से फेंकी जा रही थी जबकि चौकीदार तो बेचारा गेट पर नजर रखकर बैठा हुआ था। शाम हुई तो बाबा जी के कहने के मुताबिक शाम के टाइम वो गुड़िया लॉन में आकर गिरी। मैंने जल्दी से वो तावीज़ जो बाबा जी ने मुझे दिया था वो गुड़िया की गर्दन पर बांधा, फिर उस गुड़िया को ताई के घर में फेंक दिया। बस वो गुड़िया वापस फेंकने की देर थी, चंद दिनों में जो तबाही ताई के घर में आई वो देखकर तो हम अपनी तकलीफें भी भूल गए। ताई के तीन बेटे थे, तीनों एक साथ ही गाड़ी में जा रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तीनों मौके पर ही जां बहक हो गए। ये खबर सुनकर ताया को दिल का दौरा पड़ा और वो भी खालिक के हकीकी से जा मिले। अब घर में सिर्फ ताई रह गई थी और उसका हाल ये था कि वो किसी पागल से कम नहीं लगती थी। उसके बाल बिखरे होते थे, अजीब अजीब बातें करती थी। एक दिन अम्मी के पास आई और उनके पैरों में पड़ गई। अम्मी से कहने लगी कि देख ले, बुराई का अंजाम तो फिर बुराई होता है, मैंने तेरा बुरा सोचा और मेरे साथ देख कितना बुरा हो गया। फिर उसने जो बात की वो सुनकर तो अम्मी की भी आंखों में आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी। कहने लगी कि बस तूने मेरे ऊपर एक एहसान करना है, मुझे कभी माफ ना करी, मैंने जो तेरे साथ किया है वो नाकाबले माफी है, मुझे इसकी सजा लाजमी मिलनी चाहिए। थोड़े अरसे बाद ताई का भी इंतकाल हो गया। अम्मी की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी लेकिन वो पूरी तरह रिकवर ना कर पाई, वो भी चंद माह बाद ही इंतकाल कर गईं। बहन के चेहरे पर जो धब्बे पड़ते थे वो अब काफी हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हल्के हल्के धब्बे हमें उन वाकयात की याद दिलाते हैं। मैं तो शादी होकर अब न्यूजीलैंड आ गई हूँ, बहन की शादी कराची में ही हुई है, अब्बू अब भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, लेकिन शाहजैन आप ये देखें कि एक छोटी सी अना ने दो खानदानों को तबाह कर दिया। हमारी ताई ने रिश्ते में ना को अपनी अना का मसला बना लिया और हमसे बदला लेने के लिए उसने जादू का इंतखाब किया। बहरहाल मेरे नज़दीक तो उसने माफ़ी मांग ली है और उसको अपने किए की सज़ा भी मिल गई है, मैंने अपनी हद तक तो उनको माफ़ कर दिया है, अब आखरत में उनके साथ क्या मामला होगा अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।